प्रिय स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू प्रोग्रेसिव जनरल इंग्लिश कोर्स मीन्स इंग्लिश ग्रामर ऑफ क्लास सिक्स. टुडे आई विल टीच यू असाइनमेंट थ्री, द इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन पार्ट टू. उसमें आज हम देखेंगे एक्सरसाइज. एक्सरसाइज में जो हेडिंग है वो ये है, री राइट सेंटेंसेस करेक्टली यूजिंग द इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन वेयर नेसेसरी. द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. मतलब सेंटेंस को करेक्ट करके हमें इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज करना है, अगर हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो ही. और उसके लिए यहाँ पे नंबर वन है वो आपके लिए दिया हुआ है. तो देखिए, वंस देयर लिव्ड ओल्ड मैन. एक दिन वहां पे एक ओल्ड मैन रहता था. तो आपको पता है कि ओल्ड मैन मतलब ओ के आगे क्या आएगा, एन. क्यों? क्योंकि ओ है वो वोवल साउंड है. ओके, और स्टार्टिंग में हम नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते एन वंस देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन. क्यों? क्योंकि वंस मतलब एक समय में, तो एक समय के आगे हम ऐसा नहीं लिख सकते. ओके, सो देखते हैं नंबर टू. डक इज वाटर बर्ड. तो आपको पता है कि डक इज वाटर बर्ड, तो वाटर में डब्ल्यू है वो कौन सा साउंड है? यस, कॉन्सोनेंट, इसलिए उसके आगे हम लगाएंगे अ. तो डक इज अ वाटर बर्ड. ओके, नेक्स्ट. एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. तो एप्पल है, आपको पता ही है कि एप्पल को हम बोलेंगे तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं? यस, एन. क्यों? क्योंकि उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कौन सा वोवेल साउंड है? ए वोवेल साउंड है. ओके, इसलिए हम उसके आगे एन लगाएंगे. तो आंसर क्या बनेगा? एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. मतलब अगर दिन में आप एक एप्पल खाओगे तो वो आपको डॉक्टर से दूर रखेगा. चलो नंबर फोर. वीक हैज सेवन डेज. तो क्या आएगा? अ वीक हैज सेवन डेज. क्यों? क्योंकि जो डब्ल्यू है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए उसके आगे हमने ए लगाया. इसलिए आंसर क्या आएगा? अ वीक हैज सेवन डेज. ओके, नेक्स्ट नंबर फाइव. लास्ट संडे वॉज रेनी डे. जो लास्ट संडे था वो रेनी डे था. तो क्या आएगा? लास्ट संडे वॉज अ रेनी डे. क्योंकि जो आर है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हमने उसके आगे ए लगाया. ओके, नंबर सिक्स. इट वॉज अ डिलाइटफुल एक्सपीरियंस. मतलब ये तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था. तो इट वॉज फिर डिलाइटफुल. डिलाइटफुल में सबसे पहला लेटर है डी. तो डी कौन सा साउंड है? यस, कॉन्सनेंट, इसलिए उसके आगे आएगा अ. इट वॉज अ डिलाइटफुल एक्सपीरियंस. नंबर सेवन. वॉट फॉल वॉज देयर माई कंट्री मैन. वॉट फॉल वॉज देयर मतलब वहां पे क्या गिरा था मेरे कंट्री मैन. तो क्या आएगा? वाटरफॉल वॉज देयर. वॉट अ फॉल मतलब वाटरफॉल नहीं है, जो झरना होता है वो नहीं. वॉट अ फॉल. क्यों? क्योंकि एफ है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम लिखेंगे वाटरफॉल वॉज देयर माई कंट्री मैन. नेक्स्ट नंबर एट. ही विजिट्स माई ऑफिस ट्वाइस वीक. वो मेरी ऑफिस में वीक में दो बार आता है. तो ही विजिट्स माई ऑफिस अ ट्वाइस वीक आएगा. नो, क्या आएगा? ही विजिट्स माई ऑफिस ट्वाइस अ वीक. क्यों अ वीक आया? क्योंकि डब्ल्यू है वो कॉन्सोनेंट साउंड है. ओके, नेक्स्ट नंबर नाइन. दे गेव हिम रॉयल वेलकम. उन्होंने उनको ऐसे राजा शाही जैसा वेलकम दिया. मतलब राजाओं को जैसे वेलकम मिलता है वैसा वेलकम दिया. तो क्या आएगा? दे गेव हिम रॉयल. मतलब रॉयल के आगे क्या आएगा? रॉयल का फर्स्ट लेटर आर है, तो बताइए क्या आएगा? यस, अ. तो दे गिव हिम अ रॉयल वेलकम. चलो लास्ट सेकंड. ही रिटर्न्ड आफ्टर अ वॉर.
जैसे मैंने आपको पार्ट वन में फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ था कि ये अवर है, मतलब उसका भले ही ना स्टार्टिंग लेटर एच है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन अवर होगा, हवर नहीं होगा। ओके, तो ही रिटर्न आफ्टर अवर, अवर है मतलब उसका फर्स्ट लेटर क्या हो गया, ओ। तो ओ है इसलिए हम उसके आगे क्या लगाएंगे, एन एन। तो ही रिटर्न आफ्टर एन आवर। ओके, नाउ लास्ट, द चाइनीज हैव बिल्ट टॉल वॉल अराउंड देयर कंट्री। तो चाइनीज ने क्या किया, उनकी कंट्री के अराउंड एक बड़ी सी वॉल बना ली। तो द चाइनीज हैव बिल्ट अ टॉल वॉल अराउंड देयर कंट्री। अ क्यों आया, क्योंकि टी है वो कंसोनेंट साउंड है, इसलिए अ टॉल वॉल अराउंड देयर कंट्री। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस 1 to 11 वेरी वेल एंड यू हैव टू नोट डाउन ईट इन योर नोटबुक। थैंक यू।